Have you ever observed your way of thinking, or your thinking, or your state of mind, or your wanting, or your need? Just because of all this lack of understanding, here I will suggest you, or I will guide you, just try and develop your understanding. Agar aap samajhdar hain, aap har baat ko samajh sakte hain, aapki soch ko, आपकी वांटिंग को, आपकी नीड को, अगर हमारी वो वांटिंग और नीड किसी और के ऊपर डिपेंड है या किसी की वजह से है, तो 100% चांसेस आर फेसिंग अ मेंटल इश्यूज. यू हैव टू स्ट्रेंथन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि शारीरिक जो भी पीड़ा होती है, जो भी दुख होते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं. जब भी आपकी मेंटल हेल्थ कम होने लगती है या फिर कुछ इश्यूज फेस करने लगती है, तब जाकर आप जीवन में कुछ करने लायक नहीं बचेंगे. सो हर बार मेरा एक कहना होता है कि समझदार बने, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. हर समझदार इंसान कोई ना कोई रास्ता तो निकालता है अगर कोई मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी रहती है, या खुद से कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं. आपने सिर्फ चीज़ों की वांटिंग या नीड के बारे में सोचना नहीं है, आपकी समझदारी के ऊपर भी सोचना है. आपने ये सोचना है कि मेरी ये ज़रूरत, मेरी ये सोच जो मैं किसी के लिए रख रहे हैं या रख रही हूँ, तो क्यों, क्या वजह है? अगर मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ, तो उसकी वजह क्या है? और एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है, उस वक़्त आपने अपने आप को खुद ने संभालना है. आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी सोच आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है. सो आई कैन सजेस्ट यू टू स्ट्रेंथन योर ब्रेन, योर थिंकिंग, एंड यू विल बी सुपर पावरफुल इन एनी सिचुएशंस. क्योंकि सिचुएशंस आती रहती है, वो कॉन्स्टेंट निरंतर रहता है. हम कोई भी एक क्षण को पकड़ के नहीं रख सकते हैं. वैसे ही हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी जो सोच होती है, कहीं पर आके अटक जाती है. वो बंद घड़ी होती है, जैसे उसकी सुई अटक जाती है, वैसे ही घड़ी की सुई अटक जाती है, लेकिन समय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निरंतर चलते रहता है. ये तो आपकी सोच के लिए उस घड़ी का निर्माण किया गया है, उसे बनाया गया है. वैसे तो हम सभी सारी चीज़ें जानते हैं, सभी कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा एक क्षण आता है जीवन में, एक ऐसा मोड आता है, तभी हम ना समझ बन जाते हैं. हम ऐसी ओछी हरकत कर जाते हैं जिसे लोगों को तकलीफ हो जाती है. लोग हमें भला बुरा कहते हैं, फिर हमारी सोच उस भला बुरा सुनकर गहरी सोच में चले जाते हैं. और उसकी वजह ये है कि आप अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं. मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाएंगे तो जीवन में आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होगी. एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू. इम्पॉसिबल को आपने देखा है, अगर आप आई को निकालेंगे, एम को निकालेंगे, तो आई एम पॉसिबल, ये बहुत सारे लोग ने कहा है. आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन अपने आप में आपने इसे एक सुन के, समझ के और पढ़ के वहीं पर छोड़ दिया है. उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल अपने जीवन में लाकर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है. आप सभी से मेरी एक एडवाइस है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसके बारे में सोचिए. समझदारी अगर आपके पास में है, तो आप जग, आप दुनिया जीत सकते हैं. डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.